अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जिब्रान अहमद और आप मेरे चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे घर आए हैं समी भाई। समी भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। और साजिद भाई आए हैं मेरे लिए गिफ्ट लेके। साजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा जनाब, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था। एक तो साजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। मैं जो है बॉक्सेस पे हमेशा शुरू से ही जितने भी ब्रीडर्स और जितने भी लोग हैं, चाहे वो बड़े बर्ड्स के बॉक्स हों या जो है वो छोटे बर्ड्स के बॉक्स हों, हमेशा से साजिद भाई हम कील ही ठोकते हैं। अच्छा, ये कील जो ठोकना ना, ये बड़ी बड़ी स्पेशली जब हम पुराना बॉक्स लेते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि लकड़ी जो है ना सख्त हो गई होती है, स्पेशली जो किकर की लकड़ी है सख्त हो गई होती है। तो इसमें जो है ना प्रॉब्लम ये आती है कि हमने जब कील ठोकना होता, हम प्रोफेशनल लोग तो हैं नहीं, अब वो जिससे बॉक्स बनवाए जाते हैं वो तो कील ठोक के नहीं देता, क्योंकि हमें खुद से एडजस्टमेंट करनी होती है खिड़की के हिसाब से कि इसको कितना ऊपर कितना नीचे रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जो है ना वो खुद से, मैं खुद कील ठोकता रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कील ठोकने लगे तो यहाँ से, जैसे यहाँ पे कील ठोकना ना, तो यहाँ से ये जो इसका ये पीस है ना, यही उतर जाता है, उतर जाता है। वो बॉक्स सारा ख़राब हो गया। अब कहाँ करें, एक ऊपर कील लगा है, एक नीचे लगा है, समझ नहीं आती क्या करना है। बॉक्स भी नया बॉक्स ख़राब हो गया। उसके बाद जो है समी भाई, ट्रेंड आया कि ये जो हुक्स आप देख रहे हैं ना, ये हुक्स ये बेहतरीन है। इसी जो है ना, आपने इसको पेज के साथ कस देना है या जिस चीज़ से भी आप कसना चाहें, ये फिक्स हो गई है और ये मूवेबल भी है। ये देखें, अगर आप इसको ज़्यादा टाइट ना करें तो ये मूवेबल भी है। जैसे अब जो है स्पॉट वेल्डिंग के केज में आपने लगाना है, अब यहाँ यहाँ नहीं सेट आ रहा था, इसको थोड़ा सा हिला के ऐसे कर दें तो वो उसमें फिट बैठ जाता है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बॉक्स का नुकसान भी नहीं, बॉक्स का नुकसान भी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि जनाब बॉक्स जब भी नए बनवाने हैं, अब कील नहीं लगाने हैं। एडवांस लोग बदल रहे हैं तो हम क्यों ना बदलें आपको। अब हमारे जो रा के बॉक्स हैं, रिंगनेक के बॉक्स हैं, अगले सीजन हम नए बॉक्स मंगवाने हैं, तो नए बॉक्स में हम कील क्यों ठोकें, हम ये क्यों ना लगाएं, हुक्स ही लगाते हैं। तो साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे मेरे लिए गिफ्ट लिए हैं जनाब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा साजिद भाई, अब आपसे पूछते हैं जनाब। साजिद भाई, ये बताइए कि ये दो साइज़ आप मेरे लिए लेके आए हैं, एक तो लबड़ वाला साइज़ है बरीक जी, और एक है बड़ा साइज़। जैसे ये मेरे हाथ में जो है ना, ये बड़ा साइज़ है, मतलब ये जो छोटे हैं वो तो आप छोटे बॉक्स में लगाएंगे, क्योंकि बॉक्स का एक वज़न होता है, राग के बॉक्स का, रिंगनेक के बॉक्स का एक वज़न होता है। तो उसमें ग्रे के बॉक्स को भी आप ये लगाएंगे तो उसमें थोड़ा आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। साजिद भाई, ये आपको कैसे आइडिया आया, ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया इसके बारे में? ये भाई ने बिंदे रखे थे, भाई के लिए बनाए थे मैंने। अच्छा अच्छा। मैंने फिर आस्ता आस्ता मैंने कहा चलो मार्केट में भी देते हैं। हाँ। आज हम आपसे परिंदे लेने के लिए आए हैं, तो मैंने कहा जबरान भाई के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपके लिए गिफ्ट लेके। और मजे की चीज जो मैं आपको बताऊँ, जो मैंने ऑब्जर्व की है कि ये जो पुराने जो मैंने बॉक्स लगवाए थे ना, इस पर जंग आ गया हुआ, ठीक है, ये कलर किए हुए हैं। तो ये जनाब, ये क्यों कलर किया? ये जबरान भाई, ये मैंने क्रोम करवाया, इसका जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगा, ये लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम लगेगा, जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। बहुत अच्छी चीज है साजिद भाई। जबरान भाई, इसको ये ना, ये कम से कम 50 kg ये वजन उठा सकता है, ये बड़े वाला। अच्छा, 50 kg? 50 kg वजन उठा सकता है, ठीक है। और ये 20 से 25 kg वजन उठाएगा, 25 kg ये वजन उठाएगा। अच्छा, ये लगेगा छोटे बर्ड्स को, जितने भी आपके लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल्स हैं, बजरी गर्ज हैं, उनके बॉक्स लगेगा। और ये जो है, ये अगर आप कह रहे हैं कि इतना वजन उठाता है, तो ये ग्रे के बॉक्स को भी बड़ा इजीली लगेगा, इजीली लगेगा, इजीली लगेगा। तो ग्रे के बॉक्स को अगर आप हैंग करना चाह रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 3 लग रहे हैं, क्योंकि वो एल शेप का होता है ना, वो 3 लग रहे हैं। तीन लगेंगे, 3 लगते हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने बनाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाई है। और सबसे अच्छी चीज़ जो जंग नहीं लगता ना, क्योंकि ये देखें, ये जो मेरे पास पड़े ना, ये जंग लग गया, इसको जंग लगे वैसे बुरे लगते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगे। इसको बेसिकली मद्देनजर रख के इसको केजिंग करवाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल एस वगैरह का स्प्रे करना होता है केजिंग। जी 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 जी, तो स्प्रे करना होता है, तो फिर वो जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। तो मैं दोस्तों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कील ना ठोकें, कील ठोकने से बॉक्स भी ख़राब होता है, लुक भी अच्छी नहीं आती, आप ये चीज़ इस्तेमाल करें। साजिद भाई, एक तो बताइएगा कि आपकी शॉप किधर है? मेरी शॉप मुगलपुरा में है। मुगलपुरा में आपकी शॉप है। और दोस्तों को अपना नंबर बताएं अगर वो आपसे लेना चाह रहे हैं। मेरा नंबर 03214830499। ये साजिद भाई का नंबर है, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। और साजिद भाई, एक दफ़ा प्राइस ही बताते जाएं कि जो छोटी है ये कितने की आप दे रहे हैं? जबरान भाई, 25 रुपये की है। 25 रुपये की, इतनी सस्ती यार। जबरान भाई, अभी मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने कि सबको
नॉर्मल रेट में जाना चाहिए। पेड़ की प्राइस 25 रुपए जी, ये पेड़ है यार। आप तो मार्केट को चार लोग बड़ी बड़ी महंगी भेज रहे हैं भाई, क्या करना है, लोग कारोबार खराब करना है। नहीं नहीं जबरान भाई, देखिए इसके अंदर चार पेज भी है, चार पेज भी है इसके अंदर फिटिंग वगैरह। 500 के पेज आधी के नहीं है, 500 के पेज है। क्या बात, क्या बात है यार। ये प्राइस तो मैंने वैसे पूछ लेना चाहिए, मार्केट सस्ती दे रहे हैं। और ये बड़ा वाला ये 50 का है, ये 50 का, ये 25 का और ये 50 का। अब आपने सारा मार्केट खराब कर देनी है यार। इब्राहिम भाई ये तकरीबन मार्केट में 40-50 का, 40-50 रुपए का बिक रहा है, आप 25 रुपए का दे रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मार्केट में नया नया काम है। चले जनाब, ये जो है ना 2024 फरवरी का महीना है, अभी तक ये प्राइस है। मुझे लगता है कि इन्होंने प्राइस बाद में बढ़ा देनी है, क्योंकि नया नया इन्होंने शुरू किया है। तो माशाल्लाह जिन दोस्तों को चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अजाने हो रही हैं, अभी थोड़ी गपशप और करनी थी, लेकिन फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।